सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूँ जितेंद्र सिंह। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा में यदि आपका पहले रिफ्यूज़ है कनाडा का वीज़ा, तो क्या आपके चांस रहेंगे वीज़ा के कि नहीं? आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि रिफ्यूज़ल के बाद कनाडा के वीज़ा के चांस होते हैं या नहीं। काफ़ी लोगों के मन में डाउट होता है कि यदि एक बार कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो दोबारा वीज़ा नहीं आता है, बट ऐसा नहीं है। यदि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है पहले किसी भी रीज़न से, तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा भी ले सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखिए कि आपका बैन नहीं लगा हुआ होना चाहिए, या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट आपके नहीं लगे होने चाहिए जो अभी मिसमैच करते हो। कई चीज़ें मिसमैच हो जाएं तो कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि यदि आप पहले कहीं और जॉब कर रहे थे, आज के डेट में कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो ये इतना इशू नहीं है। बट जो डॉक्यूमेंट आपने उस टाइम लगाए थे, तो उनका कुछ रिकॉर्ड आपके पास ज़रूर हो, आपके पास इंफॉर्मेशन ज़रूर हो कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन उनको दी थी। यदि सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास रहती है, तो वीज़ा के चांस ऑटोमेटिकली आपके ज़्यादा होंगे, आपका वीज़ा निकल सकता है। बट यदि आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो आपके पास है ही नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एजुकेशन के बारे में कोई डिटेल्स ऐसी दे दी जिसके बारे में आपके पास अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एजुकेशन आपकी डिटेल फिल क्या हुई थी, तो देन आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है? ऐसी प्रॉब्लम इसलिए आती है कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते और आप ऐसे कंसल्टेंट से फाइल लगवाते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट जो है अपनी तरफ से क्रिएट करके लगा रहे होते हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ भी फिल कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एजुकेशन से रिलेटेड डिटेल्स कुछ भी वहाँ पे दे देंगे, और उसके बाद आपकी फैमिली डिटेल्स कुछ भी दे दी, देन आफ्टर आपके जो जॉब्स रिकॉर्ड है वो गलत दे दिए और आपका रिफ्यूज़ल आ गया। उसके बाद आप खुद अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि उस टाइम क्या फिल हुआ था आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। उस केस में आपके वीज़ा के चांस बिल्कुल नहीं है, आपका वीज़ा नहीं आएगा। बट यदि आपका रिफ्यूज़ल है और आपको पता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में क्या डिटेल्स गई हुई हैं, या फिर आपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, सेम डॉक्यूमेंट अभी भी आपके पास हैं, और आपकी जॉब इन्फॉर्मेशन, आपकी एजुकेशन डिटेल्स, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, ये सब जेन्युइन है, तो आपके लिए वीज़ा लेना मुश्किल नहीं है। चाहे आपका कनाडा से दो बार रिफ्यूज़ है, चाहे चार बार रिफ्यूज़ है, वीज़ा आपका आ सकता है। तो इसलिए आप रिफ्यूज़ल से ना डरें, ऐसे ना सोचें कि यदि आपका वीज़ा नहीं आया तो अब कभी नहीं आएगा। वीज़ा आ सकता है, बट सही तरीके से फाइलिंग करें, क्योंकि आपको देखना है कि आपकी प्रोफाइल में 179B ना लगे। यदि आपकी प्रोफाइल में 179B नहीं लगती, तो आपके वीज़ा के चांस जो है वो अच्छे हो जाते हैं। और 179B ना लगे, उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से फिल हों, आपका कवर लेटर सही तरीके से लिखा जाए, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सही तरीके से जाएं। यदि ये सब कंप्लीट जाते हैं और आप सही तरीके से इन्फॉर्म करते हो, वीज़ा ऑफिसर के सामने सही तरीके से अपनी फाइल को रखते हो, तो देन आपके चांस जो है वीज़ा के बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगे और आपका वीज़ा ईजिली आ सकता है। इसलिए आप रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा ले सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि सही तरीके से आपकी फ़ाइल रिप्रेजेंट हो जाए। और आप यदि अप्लाई हमारी टीम के थ्रू भी करना चाहे, तो हमारी टीम से कांटेक्ट करके अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई करवा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।